हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आईआईटी जेएम 2020 का मैथमेटिक्स पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 45 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास, लेट एफ एक्स वाई बराबर ई एक्स साइन वाई, एक्स बराबर यहाँ पर टी क्यू प्लस टी एंड वाई बराबर टी फोर प्लस टी, देन डेल एफ और डेल टी एट इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो पर पूछा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, हमारे पास वो दिया हुआ है ई की पावर एक्स साइन वाई। अगर यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा एफ टी की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हम टी की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों टी की टर्म दी हुई है। तो ई की पावर टी क्यू प्लस वन और ये हो गया हमारे पास साइन टी फोर प्लस टी, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमारे पास हमें निकलना है डेल एफ ऑन डेल टी या डी एफ ऑन डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करें इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ दिया हमने साइन टी फोर प्लस वन, इसका क्या तो ई की पावर टी क्यू प्लस वन डॉट थ्री टी स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या किया फिर इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसका कर रहे हैं हम, तो इसको छोड़ दिया हमने ई की पावर टी क्यू प्लस वन और इसका क्या तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास साइन टी फोर प्लस टी और ये हो गया फोर टी क्यू प्लस वन, इसका किया हमने फोर टी क्यू प्लस वन। अब फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए टी इक्वल टू जीरो पुट करना है। टी इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये टर्म में थ्री टी स्क्वायर है, तो इस टर्म की वजह से ये पूरी टर्म जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी प्लस। अब इस टर्म में हमने जीरो पुट किया तो फ्रेंड्स ये जो टर्म है ये जो हो जाएगी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो इस तरह से ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आया वो आ गया हमारे पास जीरो, ये इसका आंसर है।